हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षी। वेलकम टू यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे। कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर नंबर 2 रहेगा मेरा मैथ्स की सीरीज़। जो मेरा लेक्चर नंबर 1 आया जिसमें मेरे शॉर्टकट मेथड्स थे, उसी की लेक्चर नंबर 2 की हम सीरीज़ को जो है कंटिन्यू रखेंगे। इसमें भी मेरा कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स ही रहने वाली हैं, शॉर्टकट इन मैथमेटिक्स। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो इसमें आपको पता ही है सारे हर एक चैप्टर के शॉर्टकट आएंगे, जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, पहले लेक्चर में बताया था। और एक बात और बताती हूँ, जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में रेड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोनों में मिलती रहें, या फिर जो भी जहां से भी वीडियोज़ देख रहे हैं, वाया फेसबुक देख रहे हैं, वाया व्हाट्सअप देख रहे हैं, या किसी भी सोशल मीडिया साइट से वो ये वीडियोज़ को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने नहीं किया, क्योंकि वो कुछ मिस ना कर दें। क्योंकि एक एक नंबर जो है हमें इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल होता है एग्जाम टाइम पर, तो जहाँ से भी जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है अच्छी वो ले लीजिए। एक एक नंबर को इकट्ठा करना है, तभी तो हम पेपर को निकाल पाएंगे। सो इसी के साथ चलते हैं, शॉर्ट ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है हमारा शॉर्टकट मैथ्स में, जो हमारे स्टार्ट हुए टॉपिक नंबर लेक्चर नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1, टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल टू रूट 3। ये चीज़ हमें गिवन है, कोट x माइनस वाई इक्वल टू रूट 3, ये चीज़ हमें गिवन है। यहाँ पे पूछ रहा है x, x पूछ ले, यहाँ पे पूछ ले फाइंड y, कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हैं इजी वे में। और वो कैसे बता पाएंगे? जब आपको इसको सॉल्व करना आएगा। इसको सॉल्व करना कैसे आएगा? जब आपको यहाँ पे पता होगा कि रूट 3 और यहाँ पे रूट 3 ये वैल्यूज़ कब होती हैं। टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल टू रूट 3 जब है, अगर मैं इसको टेंजेंट की फॉर्म में बना दूँ, एक ही सेकंड का आंसर है, सिर्फ एक चुटकी का आंसर है, अगर यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ टेंजेंट डाल दूँ, यहाँ पे रूट 3 की वैल्यू इन फॉर्म ऑफ कोण डाल दूँ, हमारा क्वेश्चन वैसे ही खत्म हो जाएगा। अब ये चीज़ है, अब आपको पता होना चाहिए, वो टेबल याद होना चाहिए, वो टेबल कैसे बनता है। अगर नहीं पता वो भी मैं बताती हूँ, पहले ये बता दूँ ये मेरा टेंजेंट 60 होता है, ठीक है। वो टेबल लर्न कैसे करना है वो भी अभी बताती हूँ। ये मेरा होता है टेंजेंट कोट, कोट 30, ठीक है। जब मुझे ये दो चीज़ें पता है कि ये वाली वैल्यू मेरी 60 पे होती है, वो वाली वैल्यू मेरी 30 पे होती है, कॉट की केस बात करें तो उस केस में मेरा ये टेंजेंट आपस में कट जाएंगे, कोट आपस में कट जाएंगे। जब मेरा आ गया x प्लस वाई रूट 3 एंड देन x माइनस वाई रूट 3 नहीं 60 के इक्वल हो गया ना वो वैल्यू, रूट 3 को तो मैंने रिप्लेस कर दिया टेंजेंट 60 से, एंड देन 30। मुझसे क्या पूछा है? x पूछा है तो y को एलिमिनेट कर दो, y पूछा है तो x को एलिमिनेट कर दो, जो पूछा है दूसरे वाले को एलिमिनेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ से मेरा आ गया x 45 के साथ मेरा आंसर ठीक हो गया दिस वन। और यही चीज़ मेरे से y पूछ लेता, 60 में से माइनस कर दो, मेरा y भी आ गया। जो चीज़ पूछ ले हम तो उसी को जवाब देने के लिए रेडी है, ठीक है। ये तो आ गया मेरा आंसर। अब मैं बात करती हूँ हमारे टेबल की, ठीक है। टेबल कैसे बनाना है? अब टेबल पैंथ वाले कैंडिडेट्स को तो आता होगा, जो मैथ्स वाले कैंडिडेट नहीं हैं वो भी इस वीडियो को खोल के देख रहे हैं, तो उनका भी बेनिफिट होने वाला है आज, उनको टेबल लर्न करनी सिखा देती हूँ। ये चीज़ सबको पता होगा, यहाँ साइन कोस टेंजेंट लिखते हैं, मे बी मैथ वालों को भी ये चीज़ ना पता हो, वो भी देख सकते हैं। साइन कोस टेन, इनका जो रेसिप्रोकल होता है, सो दैट इज़ कोसेकेंट सेकेंट एंड कोट। आज तक आपने एक लाइन का रट्टा लगाया होगा, क्रैम किया होगा, क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये चीज़ सबको याद, सबने लर्न कर रखी होगी। मैथ्स वालों को तो रटी होती है ये चीज़ कि ये पहली लाइन है, इसी का रेसिप्रोकल कर दो दूसरी लाइन है, इसी को डिवाइड कर दो तीसरी लाइन है, उन्हीं के रेसिप्रोकल्स कर दो नीचे की लाइन से। ये लाइन आती कहाँ से है? एक लाइन बनानी सिखाती हूँ, जो मैथ्स के नहीं हैं उनके लिए बता रही हूँ। क्या करोगे? 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग डालोगे, 0 to 4 डाल दी। जहाँ पर हमने ख़त्म किया, कहाँ पर ख़त्म किया? 4 पे। उसको वापस से नीचे लानी शुरू करो, 4, 4, 4, 4, 4। ये मैं साइन के लिए सिखा रही हूँ, सिर्फ एक के लिए सिखा दिया, फिर तो बचा ही क्या है। क्या करना है? 0, 1, 2, 3, 4 नंबरिंग, देन जहाँ पे ख़त्म हुआ नीचे से 4, 4, 4, 4 सेम नंबरिंग, एंड वन थिंग इज़ इस पे सब पे रूट चढ़ा दो, इन सब पे स्क्वायर रूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, साइन की वैल्यू आ जाएगी। साइन के बाद कोस बताती हूँ। ये क्या हो गया 0, ये क्या हो गया 1/√2, 1/2, क्योंकि रूट 4 क्या होता है मेरा 2, 1/√1 तो 1, √4 मेरा 2, और उस ऊपर वाले का क्या हो जाएगा √2/2, और इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो मेरा क्या हो जाएगा 2/√2, 2 से 2 कटा तो मेरा कितना हो गया 1/√2। सो इसकी वैल्यू जो हम लर्न किया करते थे, क्रैम किया करते थे, वो ये है। एंड देन √3/√4 का क्या हो गया 2, 4/4, 1, 1 का √1। सो ये मेरी फर्स्ट लाइन आ गई, यहाँ से लर्न होती है। जिनको एग्जैक्ट ये चीज़ नहीं लर्न हो पाती थी वो ऐसे कर लेना, काउंटिंग तो सभी को याद रहती है, नीचे 4 उसका स्क्वायर रूट, आपकी फर्स्ट लाइन आ जाएगी। जब मेरी फर्स्ट लाइन आ गई, साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1,
जब मेरी फर्स्ट लाइन आ गई, जो कोस होता है वो यहाँ से रेसिप्रोकल लाना होता है। ये मैं मैथ वालों को नहीं, जो मैथ के नहीं है उनको बता रही हूँ, अगर वो मेरी वीडियोज़ को देख पा रहे हो तो। 1/√2, 1/2 और 0, ये उल्टा चला जाता है, ये सारा इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। और जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट थीटा साइन थीटा बाय में कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी वही बात बनती चली जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे एंड इसको इससे। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 0, 1/√3 एंड 1 एंड √3 एंड 1/0। 1/0 होता है मेरा नॉट डिफाइंड, 1/0 जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। ये आ गया। अब कॉसिकेंट की बात करें तो कॉसिकेंट मेरा होता है, क्वेश्चन इरेज कर रही हूँ, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। जो कोसिकेंट है वो मेरा साइन का रेसिप्रोकल होता है एंड द सिकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोस एंड टेंजेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ कोट। ठीक है, ये चीज़ भी आप सबको पता होगी, जो मैथ के हैं उनको तो पता ही रहता है। साइन कॉसिकेंट का रेसिप्रोकल मीन 0 है तो इसका रेसिप्रोकल हो गया 0/1 है तो 1/0, दैट इज़ नॉट डिफाइंड। 1/2 दैट इज़ 2/1, दैट इज़ 2। 1/√2 उसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2। और √3/2 उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा। सिमिलर वे में सेकेंड और कॉट का आप टेबल बना लीजिए। मैं टेबल नहीं समझा रही थी एग्जैक्ट, वो तो क्वेश्चन कर रहे थे तो बीच में टेबल आ गया, मैंने बता दिया। सो देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंट थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्केयर प्लस सिमिलर वे में कॉसिकेंट माइनस साइन का होल स्केयर प्लस माइनस में कॉट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा का होल स्केयर, ब्रैकेट है सारा। और इसका आंसर क्या होगा, आपको ये चीज़ निकालनी है क्या आंसर होगा। इसका आंसर 0, 1, 1/2 और 2, इन चारों में से आपको आंसर देना है, विद इन 1 सेकेंड देना है। वो चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए जो मैंने आपको लेक्चर 1 में बताई थी। या तो आप 0 पुट करके देखिए, या 45 या 30 या 90, जो भी आपको सूटेबल हो। अब इसके अंदर मुझे 45 पुट करने से क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर मैं 45 पुट करती हूँ, देखो अब सबसे पहले आप सोचिए, सिर्फ एक सेकेंड के लिए दिमाग लगाइए कि आपका क्या चीज़ पुट करने पर क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रहा है, tan 45 और cot 45 बहुत आसान होता है, उसकी वैल्यू होती है 1। कब होती है tan 45 की वैल्यू 1, अभी आपको टेबल बताया, इतनी देर से टेबल ही बता दी थी, 45 में मेरा 1 होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस थीटा की वैल्यू को ही 45 ले लूँ तो मेरा क्वेश्चन क्या पता आसान बन जाए, आसान बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 45 पे वैल्यू 1, वहाँ पे 45 पे वैल्यू 1, जब 1 - 1 होगा 0, सो ये पार्ट मेरा पूरा एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट हो गया तो सिर्फ ये दो चीज़ें बच गई हमारे पास। सो थीटा रखेंगे 45, सेकेंड अब देखो वो वैल्यू आपको लर्न होनी बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ अभी टेबल में बताई, नहीं लर्न तो आप दोबारा से टेबल को देख सकते हैं। सो मुझे ये पता है साइन की और कोस की वैल्यू 45 पे, मेरी साइन 45 की अगर हम बात करें और कॉस 45 की अगर बात करें तो वो सेम होता है 1/√2, 1/√2, क्योंकि टेंजेंट 45 क्या होता है 1, और 1 कब होता है साइन बाय कॉस 1/√2, 1/√2 कैंसिल होगा तभी तो बनाएगा। सो ये दोनों भी वैल्यू मेरी सेम होती हैं, जो कि मुझे माइंड में थी, आपके भी माइंड में होनी चाहिए। सो जैसे ही थीटा किया पुट 45, ये तो मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए टाइम लेती हूँ, लेकिन आप एग्जाम में बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, एक मिनट में क्वेश्चन को निकाल देंगे। कॉस साइन का रेसिप्रोकल अभी पीछे बताया, √2 - 1/√2 का होल स्केयर प्लस √2, क्योंकि ये 1/√2 है, ये इसका रेसिप्रोकल है, -1/√2 का होल स्केयर। और ये तो 0 ही होने वाला है, सीधा लिख दूँ 0, मीन्स हटाई दूँ इसको, क्योंकि 1 - 1 होगा। ठीक है, उसको हटाई देना, इस पार्ट को खोल दो, a - b का होल स्केयर, a² + b² - 2ab। सो ए स्केयर बोले तो √2 का क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 1/2, देन माइनस में 2 √2 - 1/√2 कट जाएगा -2, प्लस में सिमिलर वे में ये वाला क्या करोगे, 2 + 1/2 - 2, ये भी -2, अभी -2, ये वाला -2 इससे 2 से काट दो, ये वाला इससे कट कर दो, जो मेरा बचा 1/2 + 1/2, आधा प्लस आधा कितना होता है 1, 1 के साथ मेरा ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होके ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन सिर्फ 1 मिनट का था, आपको सोचना है, उस वैल्यू को पुटअप करना है, पुटअप करते ही आंसर आ जाएगा। ये तो मेरा समझाने का तरीका है, तो थोड़ा मेरा बड़ा चला जाता है, एक क्वेश्चन 2-3 मिनट का चला जाता है, लेकिन ये 2-3 मिनट का नहीं है, 2-3 सेकेंड का क्वेश्चन है। सो ये वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क नंबर 1 रहेगा आपको, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना है इसका क्या आंसर आने वाला है। कोई एक वैल्यू ऐसी होगी जो इसके अंदर सूटेबल बैठेगी, तो उसको फिट बिठा के आपको क्या करना है, इसके अंदर से आपके एक्स रखोगे, अब आपका एक्स रखोगे
जो भी वैल्यू हो, या थीटा हो तो थीटा, एक्स हो तो एक्स, वाई हो तो वाई, वो तो आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू आपको लगता है सेट होनी चाहिए वो रख के आप इसका आंसर निकालेंगे, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे 4, 5, 7 या 9 क्या आंसर होना चाहिए। सो देखिए, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको पेपर में देखने को मिलते हैं, एसएससी सीजीएल वाले जो बच्चे हैं ना, जो तैयारी करते हैं उनसे पूछना इस टाइप के क्वेश्चन, सीजीएल वालों को तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होते हैं। लेकिन क्या पता टीचिंग में भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले पेपर में पूछ लिया जाए, डीएसएस भी पूछ ले, केवीएस पूछ ले, एचटेट पूछ ले, कोई भी पूछ सकता है। सो देखो क्वेश्चन को क्या करना है, उसी तरीके से हैंडल करना है जो लेक्चर नंबर 1 से बताती आ रही हूँ। थीटा को लेट कर लेना 45 या फिर 90 या फिर 60 या फिर 30 अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना, वो क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मुझे फिर से वही दिख रहा है कि मेरे को 45 अगर मैं पुट करूँगी तो मेरा क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर पाऊँगी। अगर मैंने यहाँ पर ले लिया कि थीटा को 45 डिग्री मान लिया, जैसे ही मैंने थीटा को 45 माना तो मेरी ए और बी की कुछ एक वैल्यूज़ आ जाएंगी, जैसे ही मेरी ए और बी की कुछ एक वैल्यूज़ आई मैं इसमें पुट कर दूंगी, मेरा आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ ये चीज़ मैं आपको ना बताती, अगर ये चीज़ आपको ना पता होती तो आप क्या करते, एक नॉर्मल कैंडिडेट की बात बता रही हूँ, वो यही चीज़ करता, बी स्क्वायर, बी की पूरी वैल्यू को उठाओगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, उस पूरे का कर दोगे स्क्वायर, फिर करोगे -1, फिर करोगे स्क्वायर, और फिर मल्टीप्लाई में है ये, फिर करोगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर है मेरा टेंजेंट थीटा, माइनस में मेरा कोट थीटा, उस पूरे का किया स्क्वायर, साथ में डालोगे प्लस। अब क्या करोगे, इसको खोलने बैठ दोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगा के, फिर -1, फिर इसको खोलने बैठ दोगे ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, उसके साथ +4, जो दो बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई आएंगी उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने लग जाओगे, फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, आपका इतना बड़ा यहाँ पे आ जाएगा ना, जिसको आप सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, उस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दोगे। लेकिन हमें वो चीज़ नहीं करनी, बड़ा बड़ा चीज़ें भी बता रही हूँ आपको कि कैंडिडेट क्या करता है पेपर में, ठीक है। तो हमें सिंपल सा पुट करो 45, एक मिनट में आंसर निकाल के दिखाऊंगी। जैसे ही पुट किया 0 हो गया, कैसे अब भी बताऊंगी कैसे हुआ, क्योंकि ये 1 होता है 45 पे, ये 1 होता है, 1 - 1 0, मेरा आंसर आ गया, ए आ गया, आंसर नहीं आया, आंसर तो यहाँ से आएगा बी 45 1/√2 नीचे एलसीएम, √2 से √2 ऊपर 2 √2 नीचे √2 को क्या करोगे रेशनलाइज, ऊपर क्या हो जाएगा 2 से 2 कटा, ऊपर मेरा क्या आ गया √2। करके देख लेना सॉल्व, मैंने तो पूरा ऑरल सॉल्व कर दिया, मेरा बी भी आ गया, मेरा तो दिमाग में ही आ गया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, अब क्या बचा, कुछ भी तो नहीं बचा। अब जब मेरे पास ए आ गया 0, बी आ गया √2, अब तो आपको कुछ भी दे दें यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भी दे देगा आप तब भी कर दोगे। बी स्क्वायर 2 - 1 √2 पे पहले ही खोल चुकी, मैथ्स के स्टूडेंट हो, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ए स्क्वायर 0 + 4, दो में से एक गया एक, 0 = 4, 4 × 4 = 4, ये था मेरा आंसर। अब इसे खुद से निकाल के देख लेना आपका कितने सेकेंड्स में आंसर आएगा। लो सेम क्वेश्चन जो मैंने किया वो आप निकाल के देखना, अपनी नोटबुक्स में निकाल के देखिए, उसको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, इसका आंसर 1 है 2 है 3 है 4 है, ये ऑप्शन भी वैसे ही आ गए, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ। तो आपको इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकाल के बताना है, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना इसका क्या आंसर आया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। सो देखिए आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं, जितने मैंने कराए हैं उससे उसको प्रैक्टिस कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। अब मेरा फिर से वही चीज़ कोस एक्स है 2 cos, पहले इसको स्टॉप करके खुद निकालो। अब मैंने काफ़ी 2 लेक्चर्स करा दिए, आज लेक्चर 1 हो गया, लेक्चर 2 भी, आज मेरा काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए, वही चीज़ एक ही बार बार बता रही हूँ कि हमें कुछ एक पुट करना होता है, वो पुट क्या करना होता है वो आपका दिमाग काम करेगा तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। cos y क्या है, 2 cos y - 1/2 cos y, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे गिवन है। इसके बाद हमें क्या गिवन है, हमें कुछ फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, टेंजेंट x बाय 2 और कोट y बाय 2। अब देखो यहाँ क्या दे दिया, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, x बाय 2 दे दिया और y बाय 2 दे दिया। अब अभी तक मैं क्या पुट करती आ रही थी, टेंजेंट 45 मुझे पता है बहुत ईजी वे में कि 1 होता है, tan 45 भी 1 होता है, cot 45 भी 1 होता है, बहुत ईजी चीज़ जब हमें पता है ना, तो यहाँ पे दे दिया बाय में 2। अगर मैं यहाँ 45 लेती हूँ तो 45 बाय 2 तो बहुत अजीब हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता भी नहीं होगी। अगर मैं x को 90 पुट कर लूँ तब तो मेरी 45 बन जाएगी ना। सो अब क्या दिमाग चला, आपको x को 90 पुट करना है, समझे। और ये क्यों करना है, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ 90 दोगे, 90 बाई 2 हो जाएगा 45, tan 45 हो जाएगा 1, ठीक है। इसलिए मैंने x को क्या लिया यहाँ पे 90, जैसे ही मैंने x को 90 लिया cos 90, एंड देन ये चीज़ तो हमें कुछ भी नहीं पता, नहीं पता तो नहीं पता, लिख दो ऐसी की ऐसी, ठीक है, लिख दी।
कॉस 90 0। अब टेबल लर्न करनी पड़ेगी आपको, 0 यहाँ पे था साइन में, सबसे पहले 0 है, आगे जो भी वैल्यू थी लास्ट में 1 होता है। कॉस की वैल्यू उल्टी होती है, 1 सबसे आगे आ जाता है, 0 सबसे पीछे। तो कॉस 90 की बात करें तो 90 पे 0 होता है, ठीक है। ऐसे भी याद कर लो, टेबल को पूरा नहीं याद तो शॉर्ट में लिख लिया करो, 0 इक्वल टू 2 कॉस वाई माइनस 1 अपॉन 2 माइनस कॉस वाई, ये चीज़ ऊपर जाएगी वो तो 0 हो जाएगा। सो 2 कॉस वाई कॉस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, ये चीज़ ऊपर आ गई, ये क्या हो गया 2 कॉस वाई 1, ये इधर चला गया, और कॉस वाई क्या हो गया मेरा 1 बाई 2। अब फिर से गड़बड़, कॉस वाई की वैल्यू 1 बाई 2 कब होती है तो चेक कर लो, जब मेरी 0 के बाद यहाँ पे 1 बाई 2 है तो ये साइन का केस है, और जब मेरा वापस रेसिप्रोकल होना शुरू होता है तो 1 बाई 2, जब 0 इधर गया 1 बाई 2 इसके इधर गया होगा ना, सो ये 90 है तो ये मेरा क्या है 60। सो सीधी सी बात है, यहाँ से मेरा वाई आ गया 60, कॉस वाई इक्वल टू 1 बाई 2 के रिप्लेसमेंट में ये करोगे ना कॉस 60, कॉस से कॉस काटोगे तो मेरा वाई की वैल्यू आ गई 60। जब मेरे पास वाई आ गया, एक्स मैंने लेट किया था, मिटो ही दिया मैंने, इरेज कर दिया, एक्स मैंने माना था 60, वाई मेरा आ गया, एक्स माना था 90, वाई मेरा आ गया 60। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा अब तो, अब इसमें पुट्टी तो करना है आपको। अब मैं दोबारा से ये वाला साइड इरेज कर देती हूँ, एक्स मैंने लेट किया था, वाई मेरा खुद से आया है, सो टेंजेंट 45 एंड कॉट 60 था ना, 60 बाई 2 हो गया 30। अब कॉट 30 की वैल्यू पूछोगे आप, कॉट 30 की वैल्यू मुझे तो मालूम है क्या होती है, आपको नहीं मालूम तो टेबल रन कीजिए, 10 45 1 कॉट 30 रूट 3। सो इसके साथ मेरा रूट 3 आंसर आएगा, मैंने आंसर तो नहीं इरेज किया, ठीक है, ये भी जिंदा है रूट 3, इसके साथ मेरा आंसर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट जो भी था आई थिंक 3 लिखा था मैंने वो इरेज कर चुकी, 3 रूट 3 1 बाई रूट 3 या फिर 2 रूट 3 था, जो भी ऑप्शन था 4। तो मेरा इसका आंसर, एक्स मैंने लेट किया अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, कि मेरा जहाँ पे मुझे ईजी बन सके यहाँ पे पुट करोगे, वाई की वैल्यू निकालोगे, वाई जैसी या एस में पुट करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करती हूँ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब करना, और अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है बेनिफिट कर सकती है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो। और एक बात, जो भी कोर्स कॉमन पार्ट्स, ये चीज़ तो आपको सब कुछ मिल नहीं है वीडियो, लेकिन जो इंग्लिश के हिंदी के चल रहे हैं वो दोबारा बता देती हूँ, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर दें, कल काफ़ी सारे कमेंट्स आ गए थे मेरे पास, व्हाट्सअप पे मैसेजेस आ गए थे, तो और भी जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं उन्हें सारी डिटेल दे दूँगी, इंग्लिश हिंदी जीके रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बारे में, जो भी इंक्वायरी चाहिए आप मुझसे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक नई शॉर्टकट सीरीज़ के साथ, नई शॉर्ट ट्रिक्स, मज़ेदार ट्रिक्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।